हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में संस्थाएं और पार्टियां अपना अपना समर्थन जारी करते जा रही है। इस वक्त हम जहां मौजूद है ये महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ की ऑफिस है और आज ये अपना समर्थन जाहिर करेंगे। मैं थोड़ा इस संस्था के बारे में बता दूँ, इस संस्था का आगाज जो है 2021 में हुआ था। ऑल भिवंडी में इनकी 11 ऑफिस है जहाँ पर राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं और जनसंपर्क कार्यालय भी है इनके ऑफिस का। और एक एम्बुलेंस है जो फ्री सेवा दे रही है, उसके अलावा एक कंप्यूटर क्लास है और 2 ट्यूशन क्लासेस है और 1 मेहंदी क्लासेस है। आपको मैं बता दूँ ये सारी चीज़ें जो मैं गिरा रहा हूँ निःशुल्क है। कहीं कहीं पर एकाध ऐसा होएगा जहाँ पर 10-20 रुपया 50 रुपया चार्जेस होंगे, बाकी कम ज़्यादा देखा जाए तो ये पूरी चीज़ फ्री है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष इमरान शेख। तो इमरान भाई, क्या कहेंगे आप, आज किस तरह से हमको यहाँ बुलाया गया और आपका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रोल रहेगा और आपके पार्टी और आपकी संस्था और आपके कार्यकर्ता किस तरफ रहेंगे? देखिए, जैसे कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन सारे लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर की बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो OBC SC ST माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरा उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं BJP ये बता रही है कि अगर हम 400 से पार वोट सीट्स लाते हैं तो हम लोग संविधान को बदलेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग फंडामेंटल राइट छीन लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस इलेक्शन के अंदर कि जो OBC SC ST और माइनॉरिटी है ये अपना वोट सही लोग, सही आदमी को दे, सही जगह पर दे, ताकि ये जो सरकार, जो तानाशाही सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसको बदलने में मदद मिल सके। तो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बदलाव आए, तो ये हमारी कोशिश है, इसलिए आज की ये प्रेस थी सर। तो इसमें आपने अब तक निष्पक्ष नहीं किया कि आपका समर्थन किस तरफ है। जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट करने वाली बात ये थी कि लोगों का सवाल था कि आप सांबरे साहब के साथ में थे स्टेज के ऊपर, सांबरे साहब का प्रोग्राम वगैरह लिया था और अब आप किसके साथ में हो। सांबरे साहब ने आज तक कोई राजकीय भूमिका नहीं ली। हम चाहते थे कि वो राजकीय भूमिका ले और उनको इंडिया आगाड़ी से टिकट मिले, लेकिन किसी कारण पूर्व उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम लोग ने सब पदाधिकारियों की मीटिंग ली, सारे पदाधिकारियों का एक मत से ये डिसाइड हुआ कि इंडिया आगाड़ी के सुरेश बाला मामा मात्रे को हम लोग सपोर्ट देंगे और भिवंडी शहर की जितनी भी हमारी शाखाएं हैं ये पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी रहेगी। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ से हमारी शाखा की तरफ से, हमारे एरिया से उनको गिरे और वो एक अच्छे मतदान से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीते। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने तो ये चीज़ निष्पक्ष कर दी कि आपका जो समर्थन है वो बाला मामा को है, यानी इंडिया अलायंस को है। तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके मुद्दे आप बाला मामा तक ले जा पाएंगे, या कुछ मुद्दे आपको बाला मामा ने या इंडिया अलायंस की तरफ से आपको आया है तो उस पर कुछ चर्चा हुई है क्या? सबसे पहले तो मेरा मुद्दा यही था कि मुस्लिम माइनॉरिटी का जो ये है कि आप शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ बोर्ड लेके बायकॉट नहीं करना है, क्योंकि जब मुसलमानों के विरोध में जो कोई कानून, कोई बिल आता है संसद के अंदर, आपका एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं की आप होप होगी और मुस्लिम मतदाता बिना किसी शर्त के आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंडिया अलायंस से, जिस तरीके से उनकी बातें हैं इंडिया अलायंस से और बाला मामा का जिस तरीके से व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे तरीके से संसद के अंदर आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी SC OBC ST है और माइनॉरिटी है इनका जो काम है वो कर सकें। आपकी एक एम्बुलेंस भी है जो भिवंडी में निःशुल्क काम करती है और उसके बाद आपकी संस्था भी जो है पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ध्यान दे रही है। तो ये सब मुद्दे जो हम भिवंडी में देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है डिग्री लेने के लिए भिवंडी से बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, तो वो सब मुद्दे पे और जिस तरह से हमारे IGM का हाल है, यानी वो सब मुद्दे पे बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए भिवंडी की ये दुर्भाग्य है भिवंडी का कि इतना बड़ा इकोनॉमिकल हब होने के बावजूद इस भिवंडी शहर के अंदर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जो है उसकी हालत कितनी जर्जर है आप सब जानते हैं। ना यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज है, बच्चों को ठाणा जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए। भिवंडी का एजुकेशन सिस्टम तो एकदम फ्लॉप हो चुका है। तो इस पे नेताओं का कहीं पे भी ध्यान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर से हम सत्ता बदलते हैं, देखिए उम्मीद है, उम्मीदवार है तो उससे उम्मीद भी रहती है हमारी, तो हमारी ये उम्मीद है बहुत सारी
कि मुझे ऐसा लगता है कि बाला मामा अगर जीतते हैं इलेक्शन, इंडिया अलायंस से कैंडिडेट जीतता है, तो ये सारा बदलाव लाने के वो काम करेंगे और भिवंडी शहर को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी इससे। अब आपने बाला मामा का समर्थन की बात की है, तो मैं एक यहाँ पर ये सवाल करूँगा कि बाला मामा जनता के भरोसे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नेताओं के भरोसे? क्योंकि अब तक हमने देखा नहीं है कि बाला मामा जनता के बीच में अकेले गए हों, कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई राजनेता उनके साथ ही रहता है। नहीं, ये तो देखिए, अभी बाला मामा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के उम्मीदवार नहीं है, वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सारे राजकीय नेताओं को, सारे राजकीय पार्टी के लीडर्स को लेके चलना पड़ेगा, और जो संस्थाएं हैं, हम जैसी संस्थाएं, इनके तक भी वो पहुंच रहे हैं, उनके लोग बहुत एक्टिव है, वो सारे आते हैं, मिलते हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं हम लोग उनको बताते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बता रहे, तो उसको कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने का काम तो आज तक वो कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि वो लोगों के बीच में भी पहुँचेंगे और इंशाल्लाह भारी मतों से बाला मामा जीतने जा रही है इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इमरान शेख, महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना जो समर्थन है वो जाहिर कर दिया है। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।